आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा छठवीं क्या गणित का पढ़ रहे हैं। गणित इससे पहले हम कक्षा पाँचवीं तक का पढ़ रहे हैं। गणित क्या जादू ओमा हम्मी कहाँ तक के संख्या की जानकारी भरा है। 10,000 संख्या तक के ना संख्या पहचान लेते हैं ना कि संख्या कितना कहा थे। चलो बताओ ये कितना संख्या है, ये कितना लिखा है, कितना लिखा है 15,600। मतलब संख्या पहचाने जान लगे ठीक ना। मतलब हमें 10,000 तक के संख्या के जान पता चला। अब हम छठवीं के गणित जौन है कहाँ से स्टार्ट कर शून्य से। मतलब हम ही जोड़ घटाना गुणा भाग सब सीखे परी। इससे पहले पाँचवीं तक हम सब सीखे हैं का सीखे हैं, जोड़ जोड़ना गुणा करना भाग देना घटाना भिन्न भिन्न दूसरी ये का कहा गया ये का कहा गया भिन्न जान गए। दशमलव वाला भाग बना था ना। जैसे मान ले कौन संख्या है, जैसे मान ले कि हम भाग रहे थे जिससे हम 301 है 1301 है ठीक ना। अम्मी हम 6 के भाग देखी ठीक कैसे जी छदूनी 12 कितना पहला करगा शेष बचा एक ये शून्य दरगा 6 कम 6 कितना बचा 4 ये एक उतर जाई। अब कितना हुई 36 36 54 56 56 37 42 अधिक हो जाता ना तो 36 36 56 36 36 कितना होगा 36। तो ये घटाओ कितना हो जाए 36 में से 41 घटी तो कितना बची 5 बची ना 5। अब भाग न खाए लब्धे सुन जब तक ना कटी पढ़ कितना हो जाए 47 48 48 48 कितना बचा 2 बचा तो दशमलव फिर सुन ऐसे कितना हो जाए बढ़ा जाए ना 36 18 मतलब एक कहा जाए कि 216.83 फिर 83 फिर जौन आ गई तो एक एक वाला जाए ठीक ना। ये का कहा दशमलव वाला भाग मतलब गुणा अगर जैसे भाग बन गया का बन गया भाग उसे का बनने लगी जोड़ घटाना गुणा भाग सब बना था ठीक ना। जैसे भाग बन गया था सब बन गया। तो हम कक्षा छठवीं में का पढ़ने वाले हैं अपनी संख्या के जानकारी। संख्या का होता है जैसे कुछ हम बोलन हम स्कूल गए थे कितना दूर स्कूल 1 किलोमीटर दूर है एक जौन आइस तो का है संख्या है एक का है संख्या। जैसे 1 किलो ले हम किलो का है मतलब एक का होगा संख्या। 5 किलो 5 का है मतलब जौन गणित जैसे हम छोटे जैसे हम ही हिंदी में हमें कहा सुन कहा सीखे खुआ थे काका काका हिंदी में कहा सीखे खुआ थे हिंदी में का खा गा घा ठीक ना। वहाँ अंग्रेजी में क्या पढ़ा पड़ा था अंग्रेजी में क्या पढ़ना पड़ता है ए बी सी डी। तो गणित में क्या पढ़ेंगे हम हाँ 1 2 3 कहाँ तक 9 तक कहाँ तक पढ़ेंगे 9 तक। ये 9 तक का कहावत है ये कहावत है अंक। तो टोटल अंक कितना है टोटल अंक 10 हैं ठीक ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 9 तक तो ये 10 संख्या होगा। अंग्रेजी में कहता है 26 पढ़े पड़ा थे वैसे कहता है 52 है ना अंग्रेजी में 26 और हिंदी में 52 समझ में आएगा। तो हमी गणित में कहाँ शुरू करेगी 0 से 0 ले थे फिर 1 ले थे 2 ले थे 3 ले थे मतलब हमें संख्या कितना जानकारी है अब छठवीं तक 15,000 मतलब 1,000 तक की जानकारी है ना। लाखों तक हो सकता है पढ़ सकते हो जितना पढ़ सके ठीक। तो यहाँ क्या लिखा है वस्तुओं को गिनना हमारे लिए क्या हो गया है सरल। क्यों क्योंकि हमको क्या पता है संख्या की जानकारी है। किसकी जानकारी है संख्या की जानकारी है कारण है मतलब संख्या की जानकारी है। हम वस्तुओं को अब वस्तुओं को बड़ी संख्या में गिन सकते हैं कैसे बड़ी संख्या में 1,000 10,000 लाख 10 लाख मतलब बड़ी संख्या में। इकाईदाही पढ़े हो ना कुछ टाइम बाद बताते हैं इकाईदाही ठीक ना। अब देख जैसे स्कूल के बच्चों की संख्या मतलब संख्या तो स्कूल में कितना बच्चा है ये बताओ स्कूल में कितना बच्चा है मान लो तो कक्षा में 36 तो कक्षा में 36 हर कक्षा में 36 36 हुई है ना। तो मान लो 200 स्कूल में होगी कितना होगी ये कक्षा में होगा और ये स्कूल में होगा कहाँ होगा स्कूल में। अब स्कूल के बाद महाविद्यालय हुआ था जी कॉलेज कहा थे
का कहा थे कॉलेज, तो कॉलेज में कितना हुई है 15,000, मतलब 100 से हजार में नहीं है, 100 से हजार में। तो ये कहाँ होगी, महाविद्यालय में होगी ना, यहाँ में होगी यूनिवर्सिटी में, यहाँ में फिर मतलब संख्या कक्षा से प्रारंभ हुआ था, ठीक ना, समझ में आगा कि संख्या कौन गिना जाता है, संख्या छोट से बड़ा होता है, ना कि बड़ा से छोटा है। जैसे हम बूंद बूंद से खड़ा भरी थे, जैसे एक बूंद डालने पर दो बूंद डालने, मतलब धीरे धीरे का हुई भरा हुई, ठीक ना। तो हम संख्या की जानकारी, और संख्या इतना जल्दी नहीं भाया, पहले हम छोटे संख्या रहा, पहले हम लोग समान कम लेते रहन कि हम तो एक पहला दार दे थे, तो पहले तो हमें गेहूँ दे दे, पहले इम होता रहा ना। जब से वजन नापे लागिन तब से संख्या का विस्तार हो गया। और संख्या संख्या प्रत्यक्ष रूप में वस्तु, मतलब जो संख्या हम छू सके थे, जैसे जैसे मान लो यहाँ इस चित्र में क्या लिखे हैं, कितना पेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने पेन है, 8। तो मतलब हम जौन संख्या जौन चीज़ का हम छू सकी थे, देख सकी थे, गिन सकी थे, संख्या का होता प्रत्यक्ष रूप में होता है, क्या होता है, संख्या प्रत्यक्ष रूप में। जैसे लड़का कैट देखा तो ही 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 लड़का हैं, किताब कैट है 1 2 3 4 5 पांच किताब है, मतलब जौन का हम छू सकी देख सकी, अब तक कहिए तारा तारा हमें दिखाई दे थे, हम गिन सके थे, छू नहीं सके, तो गिन सके लेकिन वो में हम नहीं गिन सके, हमें दिखाई नहीं दें, कहा नहीं दें, दिखाई दे थे लेकिन हम उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख सकी, तो नहीं गिन सके। जैसे गांव में आदमी गिन सके थे ना, अब हम कह जाए करोड़ों तारा हैं, कितना है करोड़ों तारा। संख्या क्या होता है, वस्तुओं को गिनने, मतलब वस्तु को गिनने का शुरू करा थे, क्या कहावत है, संख्या में वस्तुओं को गिनने में सहायक होती है, ठीक। हमसे क्या क्या बनता है, जोड़ना बनता है, घटाना बनता है, गुणा बन रहा है, भाग बन रहा है, ठीक ना। इतने उपयोग आवत है कौनो गणित में, केवल चार चीज आवत है उपयोग में, एक अलावा नहीं आवे, ठीक ना। अब हमारा प्रारंभ होता है संख्याओं की तुलना, संख्याओं की तुलना का कहावत है, संख्या छोटी वस्तु बड़े वस्तु में अंतर करना हमें सिखाती है। संख्या क्या हमें सिखाती है, कौन छोट वस्तु है कौन बड़े वस्तु है, ठीक ना। जैसे मान ले साइज, अब यहाँ तुलना, ये मतलब 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है ना, यह हमें हमें तुलना करेगी, क्या करेगी, छोटा बड़ा के अंतर देखेगी, तो यह हमें क्या बताएंगे कि बड़ा संख्या। यहाँ लिखे हैं कुछ संख्या, जैसे चूँकि नीचे दिए गए जो संख्या है इनमें अंतर करेगी, तो 92 392 4456 89742 तो यह सबसे बड़ा संख्या कौन है, 89000 कौन है, 89000 हाँ, ये वाला सबसे बड़ा संख्या है ना, ये क्या कहा है, क्या लिखे है, मैं सबसे बड़ी हूँ, ये लिखे है ना। दूसरा वाला सबसे बड़ा कौन है, ये मैं कहा है 1900 2 1900 20 1992 1 1921 921 9021 और 1910 ये में सबसे बड़ा कौन है, 1910 यह में हमें संख्या का अंतर, मतलब ऐसा कहाँ का मतलब यह है कि अंतर मतलब तुलना कैसे करी थी। जैसे मान लो 50 हो गया, 50 और 150 तो यह में सबसे बड़ा कौन है, 150 कहाँ है, 150 49 है और 48 है, तो यह में बड़ा कौन है, 49 मतलब हमें बड़ा संख्या संख्या में क्या करा थे, मतलब छोट बड़ा के अंतर करके सिखा था ना, समझ में आ गया। तुलना कैसे करेगी, संख्याओं की तुलना में यह हमें यहाँ प्रयोग दे है, क्या दे है, प्रयोग, यह मम्मी छोट ढूंढे की और बड़ा ढूंढे की, कहाँ दे है, पहले दूसरा पेज में संख्या की तुलना करेगी वो मक्का दे है प्रयोग, ठीक। प्रयोग देख लेते हैं, जिस संख्या दे है यह सबसे छोट कौन है सबसे बड़ा कौन है, तो पहले हम क्या करी, संख्या का गिने शुरू करी, दो पद्धति है संख्या को गिने कि कितना संख्या है, पहला क्या है, संख्या को गिनना है, क्या करना है, गिनना है, और दूसरे में क्या करना है, तुलना करना है कितना संख्या है ना। तो हम संख्या गिन कैठे हैं, पहले यम कैठे हैं, तीन ठे हम होगा, यम चार होगा, यम दो यम पाँच, और यम तीन।
तो ये सबसे छोट कौन और सबसे बड़ा कौन है, तो ये पांच। दो अंक हो गया, ये का हो जाए सबसे छोट हो जाए। ठीक, अब सबसे बड़ा पांच अंक पांच। वाला, सबसे बड़ा का हो गया पांच अंक वाला, यहाँ सबसे बड़ा पांच अंक क्या, सबसे छोट दो अंक क्या। यह मैं दूसरा नंबर में कहा है, थोड़ी बड़ा कर लेते हैं, इसमें बड़ा छोटा बताओ, ये क्या अंक है, पहला नंबर चार चार अंक या पांच पांच अंक है या तीन तीन अंक है या चार चार अंक है या तीन अंक है। तीन अब हमें ये तीन तीन अंक दूर मिला, दूर मिला ना। अब हमें मैं कहा देखा सबसे छोट कौन है, ये का लिखा है सौ लिखा है, का लिखा है सौ, और ये कितना लिखे है 310। 310, ये सबसे छोट कौन है, सौ तीन सौ दस सौ में सौ हो जाए, मतलब सबसे छोटा कितना होगा सौ, सौ सबसे छोटा हो गया। और सबसे बड़ा पांच अंक एक ठन है माना, पांच अंक कितना होगा, नवासी नवासी हजार हजार चार चार सौ सौ तेईस तेईस का होगा, सबसे बड़ा वाला होगा, समझ में आगा। यहाँ में उम्र देखा कि यमा क्या संख्या है, चार चार संख्या, यमा चार पाँच, चार यमा चार छिस गिन, ऊपर वाला में अरे पाँच, यमा हाँ पाँच, पाँच या तीन तीन या चार चार या तीन तीन, तब अब तीन तीन ये दूर मिलीस, एक ये दूर मिलीस, यमा पहले अंतर कर रही थी, ये 111 या चार चार सौ सौ पचास तो पहले एक आवा था बाद में चार आवा था ना, तो सबसे छोट हो गया एक, 111 पहले लिखो, एक एक सौ सौ ग्यारह ग्यारह सबसे छोट हो गया, छोटा संख्या है, और 7500 पचहत्तर पचहत्तर हजार हजार दो सौ दो सौ चौरासी चौरासी दो सौ बारह चौरासी का हो गया, बारह सबसे बड़ा हो गया। यह मैं यमा देख ली, यमा चार अंक चार अंक ये देख लो, देख यह चार अंक, यह चार अंक, यह चार अंक, पांच अंक, ये पांच अंक हो गए, ये तीन अंक, मैं तो साफ दिखा था कौन छोटा सबसे बड़ा। सबके बताओ, अब सबके उत्तर लिखे थे ठीक ना, क्या कही थे, सबके उत्तर लिख दिए थे। तो पहले ये सबसे बड़ा कौन रहा, दूसरा नंबर में, दूसरा में सौ सबसे छोटा रहा है, छोटा और बड़ा सबसे का रहा नवासी, 9423 89423, यमा 111 111 का रहा छोटा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा का रहा 75284 75284, और यमा यमा 124 सबसे छोटा, सबसे छोटा और 12002। अब ये का हो गया सबसे ये छोटा वाला हो गया, और ये का हो गया सबसे बड़ा, दुभाग मागन, समझ में आगा, तुलना करेगा। पहले हम का कर संख्या का गिनाब, सबसे का कर सब संख्या गिनाब, ओके बाद छोट बड़ा के अंतर कर ठीक ना। यह में हमें बहुत अंतर करक मिली, कुछ संख्या मिल रही हैं कि कम अंतर करके, चल अगला यहाँ दूसरे पेज में, मतलब तीसरे पेज में यहाँ दे है कि दो संख्या हैं, दो संख्याओं की तुलना करना है ठीक ना, सैकड़े के स्थान समान अंक हो, सैकड़ा वाला समान हो ठीक ना। ये कितना लिखे हैं, 48, मतलब ये क्या संख्या है, चार चार संख्या, ये में कितना संख्या है, चार। पहले का है गिनना है पहले ठीक ना, अब हम आगे कहते हैं कि तुलना कर, अम्मा ये में कहा है चार है, ये में कहा है चार, ये में चार है, ये में आठ है, ये में आठ है, ये में सात है, ये में आठ है, सबसे बड़ा का हो जाए आठ वाला हो जाए ना, 4889 बड़ा कौन होगा, 4889 ये का होगा बड़ा। नीचे वाला में हम तुलना कही था, यम चार तो यम चार, यम आठ तो यम आठ, यम सात तो यम सात, अब तीन थे अक्षर सेम सेम हो गए, तब लास्ट वाला अक्षर देखा जाए, कहा वाला देखा जाए लास्ट वाला, यम का है पाँच और यम का है नौ, यम कौन सबसे बड़ा है, 4800 79 सबसे बड़ा है ठीक। यह मैं का रखी, यह मैं यूँ छोड़ बड़ा है रखी, जो प्रयास है, प्रयास है तो सोचे कि सबसे छोट बड़ा कौन है, अब तो बताओ हम यमा पहले नंबर में कौन हुई, चार 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 सब मका है चार, चार वाला है ठीक ना, पाँच आठ तो पहला अंक तो समान हो गया, अब चार पाँच तीन चार, तो यमा हमी का मिला है आठ मिला है, और यमा का मिला है तीन मिला है, तो यह सबसे बड़ा होगा, यह का होगा सबसे बड़ा, और यह का होगा सबसे छोट,
सबसे बड़ा का होगा 4892 का होगा सबसे बड़ा, और 4370 का होगा सबसे छोटा। समझ में आई? दूसरा वाला हम देख, यमक का क्या अंक है? 5 अंक है। कितने अंक है? 5 अंक है। आप सम्मा दिखा था हमें, एक 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 सम्मा दिखा था, वहाँ में हमें दिखा था पाँच पाँच सम्मा है, सम्मा पाँच पाँच है। यमक छः दिखानीस, यमक शून्य दिखानीस, ठीक ना, और यमक फिर एक दिखानीस, यमक आठ दिखानीस। तो छः से बड़ा का होता है 8, 8 से बड़ा, और सबसे छोटा है शून्य। सबसे बड़ा का हो जाए 15800 का हो जाए सबसे बड़ा, सबसे छोटा का हो जाए 15073 का हो जाए, 15073 सबसे छोटा हो जाए का हो जाए। समझ में आ गया? यह मैं नीचे वाला देख, 1 2 3 4 5, 5 अंक उमा है, ठीक। अब दुई में सम दिखाते हैं, चारों में दुई दिखाते हैं ना, पाँच और चारों में दिखाते हैं, दुई दुई सम दिखाते हैं। अब तो अब प्रॉब्लम हो गया, लेकिन यहाँ 8 दिखाते हैं, सबसे बड़ा संख्या, एक अंक सबसे बड़ा संख्या 9, उससे छोटा है 8, 8 4 7, सबसे बड़ा हम यह दिखाने, ठीक ना। अब हम भी सब ये कहा होगा सबसे बड़ा वाला होगा, हम भी सबसे छोटा वाला ढूंढेंगे, छोटा वाला 4 7 1, सबसे छोटा का होता है 1, ये होगा सबसे छोटा संख्या। यह मैं ये में हम भी कई अंक दिखानी, 4 अंक दिखानी, और सब में दिखाते हैं 5, तो हमें पहले पता चलेगा कि सबसे छोटा होगा ये वाला, ठीक। अब ये में हम भी दिखाते हैं दो दो सम्मा है, ये में दिखा 3 हम भी दिखाते हैं, लेकिन ये में 4 दिखाते हैं, ये तो हमारा कट जाए, कट गया ना। अब बचा 4 4 दोनों में, ये में 5 और ये में 6 दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं 6, तो 5 बड़ा कि 6, तो सबसे बड़ा का हो जाए 6 वाला, ये वाला बड़ा हो जाए, इसका हो जाए ये वाला सबसे बड़ा। अब सबके उत्तर मैच कर दिया जाए, ठीक ना। ये हम सबसे छोट कौन दिखानी सी, सबसे छोट ये वाला छोटा, सबसे बड़ा यमा ये वाला सबसे बड़ा, ये हो गया बड़ा वाला, मतलब बड़ा में ये लाल कलर का रही और छोटा में हरा कलर का, ठीक ना, ये लाल हो गया। दूसरा वाला मैम सबसे छोटा वाला, छोटा वाला सबसे यह हो गया 15073, और सबसे बड़ा 800 वाला 15800। यह में सबसे छोटे एम का हो जाए दो दो सम है ना 10, ये 25210, सबसे छोटा हो गया। सबसे बड़ा का हो जाए 25286 का हो गया, सबसे बड़ा हो गया एमा। अब हमें यहाँ 4 अंक रहा है, तो ये सबसे छोटा हो गया, क्या होगा सबसे छोटा, सबसे बड़ा को एम हो जाए 25600, ये क्या होगा ये बड़ा वाला हो गया बड़ा, और ये होगा छोटा वाला बड़ा। जब गुलाबी रंग के हैं ये सब बड़ा वाले यहाँ, और जो हरियर से हैं सब छोटे छोटे हैं, समझ में आएगा, हाँ ये बड़ा है ना। ये मका अंक है 4 अंक, और यमा 5 अंक। अच्छा ये डिस्टर्ब हो गया, ये मैं सबसे बड़ा यह आया है 24600 का है, 24600 ये वाला बड़ा है लास्ट वाला, ठीक। अब अगला हम कहते हैं संख्या बनामे जाना, ठीक ना, कहा जाना संख्या बनामे का।